हाय एवरीवन, आई एम करण बिडवे और आज मैं और एक टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है मैथ का प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर किट सिखाया था, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और नई चीज़ हमारे पास क्या है, तो ये है प्लेस वैल्यू बोर्ड, जिसके सहारे हम बच्चों को प्लेस वैल्यू कैसे सीखना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर किट थे उसमें से हम प्लेट, रॉड और जो डाइस है ग्रीन कलर के वो बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने ये डाइस लिए, ये डाइस है, ये डाइस और ये है येलो कलर का रॉड जो कि 10 डिनोट करता है, ये एक नंबर यानी वन नंबर डिनोट करता है और ये जो रेड प्लेट है ये 100 को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये 100 नंबर है। अभी प्लेस वैल्यू बोर्ड आपके लिए नया है, तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसमें टेंस की वैल्यू का है। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि वंस की वैल्यू का है। ठीक है, तो वंस ये जो पर्पल कलर दिख रहा है आपको, ये है वंस का वैल्यू और ये येलो कलर का है, ये टेंस का वैल्यू है, ये जो ग्रीन कलर का है ये 100 का वैल्यू है और ये जो रेड कलर का है ये 1000 का वैल्यू है। ठीक है, अभी बच्चों को हम इस वैल्यूज़ को कैसे सिखाएंगे, मतलब प्लेस वैल्यू कैसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले वन डिजिट नंबर को हम वंस बोलते हैं, बच्चों को बताना है ये वंस, ये टू, ये भी वंस में आएगा, थ्री ये भी वंस में आएगा, फोर ये भी वंस में आएगा, फाइव ये भी वंस में आएगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो एक से लेके नौ तक आप कौन से भी नंबर ले लो, ये सारे वंस के कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे, पर्पल कलर के कॉलम में आएंगे जिसे मैंने वंस के वैल्यू एक से नौ तक रखे। अगर आप वहाँ पे 10 रखेंगे तो वो वंस के वैल्यू है क्या, नहीं है, वो क्या है, टेंस के वैल्यू है। तो नौ के बाद जब भी 10 आएगा तो वो आएगा आपका येलो कॉलम में। ठीक है, तो ये येलो कॉलम दिख रहा है आपको, ये येलो कॉलम में आएगा और ये बच्चों को बताना है ये टेंस का कॉलम है। जो भी सिंगल सिंगल आपको ना डाइस दिख रहे हैं ये वंस का कॉलम है नौ तक, और नौ के बाद जब 10 और 20 तक जाते हैं आप, तो सॉरी 10 से लेके 99 तक जब आप जाते हैं तो वो आएगा आपका टेंस के कॉलम में। अब 99 के बाद चलो 10 आ गया, पहले टूज़ का कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। 10 के बाद 11 से 20 तक भी आ गया आपका टेंस के कॉलम में, उसके बाद 21 से 30 तक आ गया आपका टूज के कॉलम में, 40 भी आपका टेंस के कॉलम में आएगा, सॉरी 50 भी आपका टेंस के कॉलम में आएगा, 60 भी आपका टेंस के कॉलम में आएगा, 70, 80, 90। अगर मैं ये 100 वाला इधर रखूँ तो सही होगा क्या, नहीं, गलत होगा। तो ये 90 के आगे फिर अपने को क्या करना होगा, ये 1 वाली कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे 91 लिखने के लिए, तो यहाँ 90 आएगा और 1 जो है आपका वंस के कॉलम में आएगा 91। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंस कॉलम सीखने का तरीका। अभी इसके बाद 99 के बाद 100 आता है। ठीक है, तो 100 को टेंस के कॉलम में रखेंगे। टेंस मतलब दो नंबर जो भी एकक और दशक बोलते हैं उसको हम वंस, टेंस, इकाई और दहाई। तो इकाई मतलब एक एक नंबर, दहाई मतलब दो दो नंबर। तो 99 दो नंबर है, 9 और 9 है। तो 99 में जो वंस के कॉलम में है जो 9 है उसकी जो वैल्यू है वो 9 रहेगी,
और टेंस के कॉलम में नाइन की जो वैल्यू है वो 90 रहेगी। तो ठीक है, तो इसके बाद जब 99 के बाद जब 100 आता है तो वो टेंस के कॉलम में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका 100 के कॉलम में। तो ये यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कॉलम है ये दिख रहा होगा आपको, इसमें आएगा 100। ठीक है, क्योंकि वो 100 मतलब तीन नंबर को डिनोट करेगा, यानी वंस, टेंस और 100। ठीक है, इकाई, दहाई और तिहाई। तो तिहाई के जो नंबर्स है वो आएंगे आपके 100 के कॉलम में। अब 100 आएगा 100 के कॉलम में, 200 आएगा 100 के कॉलम में, 300 आएगा 100 के कॉलम में, 400 आएगा 100 के कॉलम में, ऐसे ऐसे करते 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अब 1000 आपका 100 के कॉलम में नहीं आएगा, 1000 आपका क्या आएगा, रेड कॉलम में आएगा। ये जो रेड कॉलम है, ये जो रेड कॉलम है, यहाँ पे आपका 1000 से आगे वाले नंबर्स आएंगे, क्योंकि 1000 में चार डिजिट है। ठीक है, इकाई, दहाई, तिहाई और जो 1000 के जो कॉलम है वो आएंगे आपके 1000 वाले कॉलम में। तो इस तरह से बच्चों को आप प्लेस वैल्यू पढ़ा सकते हो, जिससे कि बच्चे बहुत ही इंटरेक्टिवली और मैनिपुलेटिव्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लेस वैल्यू को सीखे और समझे, जिससे कि उनको जो नंबर ऑपरेशन है वो करना बहुत ही ईजी हो जाए। थैंक यू।